हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अलीवेटन विजडम दोस्तों स्वागत है आपका अलीवेटन विजडम में सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं ये आने वाला साल आप सबके लिए अच्छा साबित हो आप सबकी सेहतें ठीक रहें और काम धंधा अच्छा चले तो इसी के साथ इस वीडियो में पहले दिन मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये बेसिकली लेमनेस और फैटी लीवर की जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है कोलिन की कमी उसके ऊपर बनाया गया है तो कोलिन का यूज़ फीड में कैसे किया जाता है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पोल्ट्री में फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत एक आम बात है और खास करके लेयर और ब्रीडर फार्मर्स इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक लॉसेज भी होते हैं आर्थिक नुकसान होते हैं क्योंकि फ़ैट क्या है कि मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर और लीवर एक मास्टर ऑर्गन है एक बहुत ज़्यादा फंक्शंस उसके अंदर होते हैं तो लीवर अगर किसी भी वजह से डैमेज होता है तो पूरी बॉडी के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है तो फैटी लीवर फैट का अगर ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है वो लीवर के अंदर तो वो और चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करता है तो टेक्निकली फ़ैट को क्या कहा जाता है आ, ये हम देख लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स फैट को हम कहते हैं तो फ़ैट को टेक्निकली ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग कहते हैं या टी कहते हैं तो जो भी फ़ैट मेटाबोलाइज होता है हैन की बॉडी के अंदर या बर्ड के अंदर पोल्ट्री के अंदर उसमें लीवर एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करता है फ़ैट के मेटाबॉलिज्म में हालांकि फ़ैट और कई रूपों में भी मिलता है लेकिन सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है जो कि लीवर के अंदर मेटाबोलाइज़ होता है ये सीधी सी सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है इसके बाद एक बात और है कि फ़ैट को बिना पढ़े उसके मेटाबॉलिज्म को बिना समझे हम कोलिन को नहीं समझ सकते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे फ़ैट के मेटाबॉलिज्म से पोल्ट्री के अंदर फ़ैट का डाइजेशन वग़ैरह हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन मेटाबॉलिज्म है कि वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है बॉडी के अंदर तो दोस्तों एक अंडे के अंदर लगभग चार से पाँच ग्राम तक फ़ैट होता है जैसा कि यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिख रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल हस्बेंड्री की एक स्लाइड है उनका एक एड है जिसमें एग की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बताया तो यहाँ पर चार से पाँच ग्राम के करीब फैट होता है तो इतना फैट डेली के डेली बर्ड को उस एग के अंदर डिपॉज़िट करना होता है जब वो डिपॉज़िट हो जाता है उसके बाद वो अंडा बाहर आता है तो लीवर जैसा कि मैंने बताया कि एक सेंटर पॉइंट होता है फ़ैट के मेटाबॉलिज्म का ज़्यादातर हर एक चीज़ का मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है लेकिन फ़ैट का खास तौर से होता है क्योंकि फ़ैट के क्या है कि तीन सोर्सेज होते हैं हमारे फीड मतलब अ, अ, अंडे के लिए जो अंडे में फ़ैट आ रहा है जैसा मैंने बताया अभी कि चार से पाँच ग्राम फैट होता है तो वो आ कहाँ से रहा है उसके तीन सोर्सेज होते हैं पहला होता है फ़ीड फीड के अंदर कुछ ना कुछ फ़ैट थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है चाहे चाहे आप ऑयल मिलाएं या ना मिलाएं वो फ़ैट फीड के अंदर कुछ मात्रा में प्रेजेंट रहता है इसके बाद आता है बॉडी पे लगा हुआ फ़ैट जो लेयर के अंदर वो अपना डिपॉजिट कर लेती है रिज़र्व बना लेती है फ़ैट्स का वो भी फ़ैट मोबिलाइज़ होता है एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट तीसरा जो सेवन टू सेवेंटी टू एट्टी परसेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है फ़ैट के लिए वो होता है नए फैट की का बनना लीवर के अंदर नया फ़ैट बनता है सिंथेसिस ऑफ न्यू फैट इन लीवर ये किससे बनता है जो ग्रेन्स मुर्गी खाती है जो प्रोटीन खाती है जो अनाज खाती है जो फीड खाती है वो अंदर जाके लीवर के अंदर फ़ैट बनाता है जिससे अंडे की रिक्वायरमेंट फ़ैट की पूरी होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फैट किस तरीके से बनता है वो एस्ट्रोजन की कमांड में वो फैट बनता है एस्ट्रोजन एक तरीके का हार्मोन होता है यहाँ पर इस रिसर्च को आप देख सकते हैं कि वी आगे जो वीडियो आएगी उसमें ये टर्म हम पढ़ेंगे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन योग के लिए खासकर ये बनाया जाता है मतलब ये इसे छोटी सी भाषा में आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि ये फैट का एक तरीके का कार्गो होता है जो कि लीवर से पहुंचाया जाता है अंडे के अंदर तो फैट लीवर से अंडे के अंदर इस रूप में वी एल डी एल की फॉर्म में पहुंचता है तो हम आगे देखेंगे इसे तो एग जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है फैट बढ़ाना बढ़ा देता है हिपेटोसाइटिक लाइपोप्रोटीन का प्रोडक्शन फ़ैट को लीवर से बाकी जगह लेके जाने के लिए स्पेशली योक में लेके जाने के लिए उसे बढ़ा देता है एस्ट्रोजन तो एस्ट्रोजन की कमांड में इतना सारा फैट लीवर के अंदर बनता है तो अगर हम एक हेल्दी बर्ड को सेक्रीफाइस करें उसे हम स्लॉटर करें और उसका लीवर देखें तो वो कुछ पीला पीला सा हमें दिखाई देता है अगर वो पीला पीला सा हमें दिख रहा है तो हमेशा इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो पैथोलॉजिकल फैटी लीवर है उसकी वजह से मुर्गी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुर्गी के अंदर ये नॉर्मल रहता है क्योंकि उसके अंदर फ़ैट तो बन ही रहा है ना अंडे में जाने के लिए फ़ैट बन रहा है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो फ़ैट लीवर से निकलना बंद हो जाए किसी भी वजह से और उसके अंदर वो बनता रहे एक्स्ट्रा बनता रहे तो लीवर क्या होता है ओवरलोड हो जाता है ओवरलोड होने का मतलब ये होता है कि लीवर के अंदर फ़ैट ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो गया है जब वो निकल नहीं पा रहा है तब हम कहते हैं कि लीवर फैटी लीवर हो गया है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती तो दोस्तों इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि लीवर के अंदर से जो फैट है वो योक तक जो अंडा है उस तक फैट uh, किसी पाइपलाइन के जरिए नहीं जाता है कोई वाल्व नहीं लगी होती कोई पाइप नहीं लगा होता है उसे ब्लड के अंदर से होके जाना पड़ता है लेकिन ब्लड को हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर सिक्सटी परसेंट पानी होता है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है तो फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट उसमें पानी होता है और किसी भी चीज़ को जो ब्लड के थ्रू बहनी है जो ब्लड अगर उसे कहीं पहुँचाना है तो उसे पानी में डिज़ोल्व होना ज़रूरी होता है लेकिन फ़ैट पानी में डिज़ोल्व होता नहीं है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि ग्लास के अंदर ऊपर तेल जमा है और नीचे पानी है तो फ़ैट पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है आपको सिर्फ़ समझाने के लिए कि फ़ैट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ये मान लीजिए कि पानी में डिज़ोल्व होने की मतलब पानी में घुलने की या उसमें तैरने की ज़रूरत है फ़ैट को लीवर से योक तक पहुँचने के लिए जर्दी तक पहुँचने के लिए फ़ैट को पानी से ब्लड से होके जाना है तो एक कार्गो की ज़रूरत होती है जैसे आपको कहीं सामान भेजना है किसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर सामान भेजना है तो कार्गो होते हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है उसके ऊपर सामान को लोड कर दिया जाता है और वो सेफली पानी के ऊपर तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जहाँ सामान पहुँचाना है वहाँ पर चला जाता है तो इसी टाइप का एक कार्गो लीवर के अंदर बनाया जाता है और उसके अंदर फ़ैट को भरा जाता है जैसे यहाँ पर सामान को ऊपर रखा है इसी तरीके से उसके अंदर फ़ैट को भरा जाता है और फ़ैट इसी तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है जैसे ये कार्गो सामान लेके जा रहा है वो कार्गो फैट लेकर जाता है तो दोस्तों उस फैट के लिए कार्गो जो होता है वो लाइपोप्रोटीन होता है यहाँ पर अब आपको ये चीज़ें समझनी थोड़ी सी ज़रूरी हैं इसी से आपको समझ में आएगा कोलीन का फंक्शन तो लाइपोप्रोटीन जो होता है ये एक लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर फैट भरा हुआ है हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से जो दूर भागता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं वो फैट ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो बीच में भरा हुआ है और साइड में आपको ये दिख रहे हैं गोले गोले और इनके अंदर से धागे धागे निकले हुए हैं ये हैं फॉस्फोलिपिड्स अगर फॉस्फोलिपिड्स नहीं होंगे तो ये लाइपो प्रोटीन नहीं बन पाएगा लाइपो का मतलब है फैट लिपिड से आया है लाइपो वर्ड और जो प्रोटीन है वो एपो लाइपो है ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मिलकर ये लाइपोप्रोटीन बनाते हैं तो फॉस्फोलिपिड एक अहम कंपोनेंट है इस कार्गो का जो फ़ैट को लीवर के अंदर से योक तक या जर्दी तक लेकर जाता है तो इसके अंदर दो फैटी एसिड होते हैं और एक ये ऊपर जो गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये गेंद जैसा जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं ये ग्रुप होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिना इसके लाइपोप्रोटीन नहीं बनेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एस्ट्रोजन वी बनाता है वी का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तो वो लाइपोप्रोटीन अगर नहीं होगा वो नहीं बन पाएगा तो फ़ैट भी लीवर से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो कंडीशन कहलाती है फैटी लीवर की कंडीशन ख़ास तौर से लेयर्स में देखने को मिलती है क्योंकि लेयर को लीवर में फ़ैट बनाकर या लीवर से फ़ैट को अंडे तक पहुंचाना होता है तो बिना फॉस्फोलिपिड के जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है बिना फॉस्फोलिपिड्स के लाइपोप्रोटीन नहीं बन सकते हैं और ये लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसा कि यहाँ दिख रहा है और इसके अंदर फैट को भर लेते हैं तो लाइपोप्रोटीन के बिना फ़ैट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है अगर इसकी कमी किसी भी वजह से हो जाती है तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और लीवर अगर काम करना बंद कर दे फैटी लीवर होने की वजह से तो और भी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और अल्टीमेटली मॉडिलिटी शुरू हो जाती है प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाता है तो ये फॉस्फोलिपिड एक जो पार्ट है यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है इसमें तो कोलिन इसका एक अहम पार्ट होता है बिना कोलिन के फॉस्फोलिपिड नहीं बन सकता है यहाँ पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर बताया गया है और नीचे इसका एक स्ट्रक्चर है ये जो दो आपको लाल धागे जैसे दिख रहे हैं वेवी स्ट्रक्चर्स हैं ये फैटी एसिड्स कहलाते हैं फैट में सोल्यूबल होता है ये वाला पार्ट और ये फॉस्फो ग्रुप होता है फॉस्फेट ग्रुप क्लिसरोल और कोलिन ये हमारा फॉस्फो ग्रुप कहलाता है ये हाइड्रोफिलिक होता है पानी में घुलनशील होता है ये फैट में घुलनशील होता है तो फ़ैट की तरफ जब फैट भरा हुआ होगा ये धागे फैट की तरफ होंगे और बाहर पानी होता है तो ये जो हेड होता है पानी की तरफ होता है तो फॉस्फोलिपिड इस तरीके से काम करता है लाइपो बनाने में हेल्प करता है तो बिना कोलिन के यहाँ पर आपको दिख रहा है कोलिन लिखा हुआ है बिना कोलिन के फॉस्फोलिपिड नहीं बनाया जा सकता तो फॉस्फोलिपिड अगर नहीं बनेगा तो लाइपोप्रोटीन नहीं बनेगा तो फैट को मूव नहीं कराया जा सकता तो जल्दी से इसे रिवाइज़ कर लेते हैं छोटी सी बात है कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि वाटर बेस में फ़ैट को ट्रांसपोर्ट होना है लेकिन पानी में फैट घुलता नहीं है तो उसके लिए कुदरत ने क्या बनाया है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है वो ट्राइप ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है लाइपोप्रोटीन के अंदर दो पार्ट होते हैं एक प्रोटीन एक फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड बिना कोलिन के नहीं बनता तो इस वजह से कोलिन को फैटी जो कंडीशन होती हैं फैटी लीवर की कंडीशन होती हैं उसमें कोलिन को रिकमेंड किया जाता है तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ फैट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तो बेसिकली फ़ैट तो वहाँ बनना ही है हमें फ़ैट को बनने से नहीं रोकना है तो कई बार आपने देखा होगा फैटी लीवर की कंडीशन में फ़ीड को देना कम कर देते हैं बंद कर देते हैं फीड को देना जब बंद कर दें तो, तो प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है मॉर्टिलिटी वगैरह तो कंट्रोल हो जाती है लेकिन प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है इस वजह से क्या होता है कि फ़ैट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हेल्प करने की ज़रूरत होती है यहाँ पर इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोलिन के साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं कुछ और भी विटामिन काम करते हैं लेकिन कोलिन एक एसेंशियल मोलिक्यूल है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो डेफिशेंसी ऑफ लाइपोप्रोटीन्स लाइपोप्रोटीन्स की कमी की वजह से फॉस्फोलिपिड की कमी की वजह से फ़ैट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और फैटी लीवर की प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो अब फैट अगर लीवर में बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि वो लीवर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है सूक्ष्म जिसे एक आर्किटेक्चर कहते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगता है वो तबाह होने लगता है क्योंकि लीवर क्या होता है वैसे ही वो फ्रेजाइल होता है आप हाथ लगाएंगे बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है लेकिन जब फैट भर जाता है तो उसकी अंदर की जो एक बनावट होती है वो बिल्कुल बिखर जाती है टूट जाती है और हाथ लगाने से या थोड़ा सा भी अगर उसे प्रेशर आप मतलब लगाते हैं उसके ऊपर तो वो बस्ट हो जाता है आपने कभी गौर किया हो कि फ़ैटी लीवर की कंडीशन अगर आपके फार्म में चल रही है आप अपनी मुर्गी को पकड़ते हैं किसी भी वजह से उठाते हैं तो वो पैनिक में भी मर जाती हैं पैनिक में मोर्टिलिटी शुरू हो जाती है उसका एक व एक वजह ये भी होती है क्योंकि उनके लीवर में काफ़ी सारा फैट होता है और वो फटने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है तो प्रेशर क्रिएट होता है एग लेइंग के दौरान भी उसकी जो मसल्स होती हैं वो संकुचित होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एबडोमिन की मसल जब एग लेइंग हो रही होती है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है एबडोमिन के अंदर तो उसकी वजह से भी अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो फैट ज़्यादा मतलब उसके अंदर भर गया है उसका लीवर का आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया है तो उस कंडीशन में लीवर रप्चर हो जाता है जैसा कि इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैटी लीवर की बिल्कुल एक हॉलमार्क uh, पिक्चर है और इसके अंदर ये किस तरीके से बिल्कुल रप्चर हो चुका है ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहा है हर बार आपको पीले कलर का लीवर दिखे ये ज़रूरी नहीं होता है लेकिन लीवर के ऊपर ये जो लाल रंग का थक्का होता है ये खून होता है असल में ये लीवर का पार्ट नहीं है ये खून है जो बाहर आके जम गया है आप देख सकते हैं इन मुर्गियों के अंदर कितना अधिक फ़ैट इनकी बॉडी में जमा है और एक कंडीशन और आती है कि इनके अंदर आपको एक बना बनाया अंडा मिलेगा जो अभी बिल्कुल जस्ट निकलने वाला होता है तो ये वाली जो मुर्गियाँ होती हैं इनके अंदर एक बना हुआ अंडा मिलेगा आपको ओविडक्ट में और लीवर मिलेगा खूब बड़ा और उसके अंदर खूब सारा फैट जमा होगा अगर आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजी इस कराएंगे तो आपको फ़ैटी लीवर की कंडीशन वैसे दिखती है और ये जनरली आप पोस्टमार्टम करके भी पता लगा सकते हैं तो फैटी लीवर के ऊपर एक अलग वीडियो की उसके सिम्टम्स क्या होते हैं किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो अलग वीडियो में देखेंगे तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि फ़ैटी लीवर ऐसा होता है और ये बेसिकली कोलन इसका एक अहम हिस्सा होता है इसमें इस प्रॉब्लम इस को कोलिन फैटी लीवर के अलावा लेमनेस में भी इसका रोल रहता है तो लेमनेस में क्यों रोल रहता है कि कोलिन जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट uh, है कार्टिलेज फॉर्मेशन का कार्टिलेज आप जानते होंगे जो हड्डियाँ होती हैं बड़ी हड्डियाँ अगर आपने कभी तो आपने अगर कभी चिकन लेग खाई हो तो चिकन लेग के ऊपर एक छोटा सफ़ेद सा हिस्सा रहता है जिसके ऊपर एक खांचा सा बना रहता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं तो उस कार्टिलेज के फॉर्मेशन में कोलिन का काफ़ी अहम रोल होता है तो फॉस्फोलिपिड्स उसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड बनाने में भी कोलिन का रोल है तो फॉस्फोलिपिड एक लुब्रिकेशन का काम करते हैं जॉइंट्स के लिए जैसा कि यहाँ पर टीबीएल बी में लिखा है साइंस डायरेक्ट से लिखा लिया गया है कि कोलिन इज़ अ पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एग्ज़ाम्पल लेसिथिन मतलब जो फॉस्फोटिडाइल कोलिन होता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है इसके साथ साथ ये अहम स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए कार्टिलेज को बनाने के लिए कोलिन बहुत अहम होता है तो कार्टिलेज प्रॉपर नहीं बन पाती है कोलिन की डेफिशिएंसी की वजह से इस वजह से क्या होता है कि स्लिप टेंडन की प्रॉब्लम आती है जिसे हम लेमनेस में काउंट करते हैं यहाँ पर आपको इसकी अनाटमी दिख रही है बहुत ज़्यादा आपको अनाटमी पढ़ाने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मसल होती है ये पैरों को यहाँ से खींचती है ये मसल यहाँ पर ख़त्म होती है इससे एक टेंडन निकल के आता है एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर निकल के आता है वो इस हड्डी के ऊपर स्लाइड करता है तो अगर यहाँ पर लुब्रिकेशन की कमी होगी कार्टिलेज ठीक से नहीं बनी हो हो यहाँ पर वो कार्टिलेज होती है बनी हुई तो ये फिसल के साइड में आ जाता है जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो ये जो है ये पर्टिकुलर लेमनेसट टीबियल डिस्कॉन्ड्रोप्लासिया इसे टेक्निकली कहते हैं तो कोलिन के साथ साथ कुछ और भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं निकोटिनिक एसिड है पायरॉक्सिन है बायोटीन है फोलिक एसिड है मैग्नीज़ है तो इसमें बायोटीन मैग्नीज़ और कोलिन मेन इम्पोर्टेंट होते हैं कोलिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है इस वजह से कोलिन को सबसे पहले कंसीडर किया जाता है अगर स्लिप टेंडन की प्रॉब्लम कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम आपको दिख रही है बोन ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है कार्टिलेज ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब कोलिन की डेफिशेंसी वहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्टिलेज जो होती है अच्छा कार्टिलेज का एक दूसरा फंक्शन भी होता है कि बोन कार्टिलेज के ऊपर ग्रो करती है मतलब पहले कार्टिलेज बनती है उसके बाद बोन बनती है तो अगर कार्टिलेज ठीक से फॉर्म नहीं होगी तो बोन भी पूरी फॉर्म नहीं हो पाती है तो ये टीबियल डिस्कॉन्ड्रोप्लाजिया का एक दूसरा मतलब रूप है इसके अंदर कार्टिलेज ही रह जाती है लेकिन ये बोन नहीं बन पाती है तो ये वाली लेमनेस की कंडीशन इसमें देखने को अक्सर मिलती है तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि लेमनेस के लिए और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जैसे कैल्शियम फास्फोरस का रेशो इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है इसी तरीके से मैग्नीज़ कॉपर बायोटीन भी बोन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं तो कोलिन भी उसका पार्ट होता है लेमनेस की कंडीशन का स्लिप टेंडन का तो लेकिन कोलिन को हम सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह काफ़ी सस्ती चीज़ें इनका मतलब कमी राशन में काफ़ी मतलब कम होती है दूसरा क्या है कि विटामिन डी वाइटामस का पार्ट रहता है और अच्छी मात्रा में डाला जाता है तो कोलिन का सस्पेक्ट इस वजह से काफ़ी बढ़ जाता है मिनरल्स भी काफ़ी सस्ते होते हैं तो उस उसे भी डालने में कोई हिचकता नहीं है और बायोटीन की कमी यूजुअली मेज़ बेस्ड राशन में नहीं होती है तो लेमनेस जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली चिक्स की प्रॉब्लम है मतलब बड़े बर्ड में इतनी प्रॉब्लम कोलिन की वजह से लेमनेस की नहीं आती है एक और इसका फंक्शन होता है कोलिन का वो होता है नर्व कंडक्शन का जो नसें होती हैं वो हमारी मसल्स को जाकर एक्टिवेट करती हैं उन्हें स्टिमुलेट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी पोल्ट्री हमारी चल रही है फिर रही है दाना खा रही है जो भी कुछ कर रही है वो एसिटाइल कोलिन की वजह से होता है ये एक न्यूड्रो ट्रांसमीटर होता है जैसा कि आपको यहाँ पर रेड एरोज दिख रहे हैं ये कोलिन दिखाया गया है कोलिन अंदर जाता है एसिटाइल ए से मिलता है एसिटाइल कोलिन बना लेता है फिर ये यह यहाँ जमा हो जाता है और कोलिन फिर ये बाहर आके निकलता है और यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स के या दूसरी नर्व्स के उन्हें जाके स्टिमुलेट करता है इस तरीके से नर्व कंडक्शन होता है दिमाग से जो भी सिग्नल हैं मसल्स तक आ रहे हैं उसकी मांसपेशियों तक आ रहे हैं तो वो एसिटाइल कोलिन के जरिए ही आते हैं तो कोलिन का बहुत अहम रोल ये भी एक रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सैनेप्टिक स्ट्रक्चर है ये नस है और ये मसल है तो मसल के अंदर से एसिटाइल कोलिन निकल के आता है और यहाँ पर इसे कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है अगर एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत कोलिन बॉडी मिथ्यून वगैरह से बनाती रहती है तो एक सस्टेनेबल लेकिन फिर भी डेफिशेंसी अगर होती है तो पहले वो किस में दिखेगी फैटी लीवर की फॉर्म में दिखेगी लेमनेस की फॉर्म में दिखेगी उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर नर्व कंडक्शन में भी वो प्रॉब्लम दिखाई देती है उससे पहले तो मुर्गी मरी जाती है फैटी फैटिलीवर की वजह से तो कोलिन क्या है चौथा जो रोल है कोलिन का वो मिथाइल डोनर के रूप में है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है आपकी समझ में नहीं आएगा और इसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ इसे बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर समझाऊँगा आपको इस फॉर्म में कोलिन क्या होता है कोलिन से बिटेन बनता है बिटेन से मिथ्यून बनता है मिथ्यूनिन से फिर कोलिन बनता है तो सबसे सस्ता इस साइकिल में क्या है आपको अगर देखने को मिले सबसे सस्ता है इसमें कोलिन जो आपको 130 -140 एक सौ तीस एक सौ चालीस रुपये मिल जाता है उससे महंगा है बिटेन फिर सबसे महंगा है यहाँ पर मिथ्यून तो कोलिन से बिटेन बने कोई बात नहीं बिटेन से मिथ्यून बने कोई बात नहीं मिथ्यून से लेकिन अगर कोलिन बनेगा तो यहाँ पर मिथ्यून क्योंकि कॉस्टली है कोलिन कॉस्टली नहीं है सस्ता एक इंग्रेडिएंट है तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मिथ्यून क्या है मिथ्यून हमें ग्रोथ के लिए लीवर की एक्टिविटी के लिए फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी रहता है तो हम कोलिन से मिथ्यून बना लें ये तो ठीक है लेकिन मिथ्यून से अगर कोलिन बनने लगेगा अंदर तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऐसा कब होता है ऐसा जब होता है कि जब हम कोलिन डाइट में पूरा नहीं देते हैं तो ऐसी कंडीशन कब आती है कि डाइट में पूरा कोलिन ना हो या तो ऐसा होता है कि कोलिन की रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो या हम फीड में कम दे रहे हैं तो बॉडी को कोलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है तो बेसिक एक उसके लिए कोलिन अंदर बनने लगता है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फॉस्फोलिपिड्स का पार्ट है कोलिन तो कोलिन अगर फॉस्फोलिपिड का पार्ट है तो फॉस्फोलिपिड के बिना सेल्स भी नहीं बन पाती हैं ग्रोथ भी नहीं होती है तो थोड़ा बहुत मिथ्यून से कोलिन अंदर बनता रहता है एसिटाइल कोलिन के लिए कोलिन बनता रहता है लेकिन इतने अमाउंट में नहीं बन पाता है कि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो मिथ्यून भी वेस्ट होता है बॉडी के अंदर अगर कोलिन की डेफिशेंसी हो और बाकी फंक्शन भी फिर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं तो ये वाला जो रोल है कोलिन का इसे हम विटामिन एज ए विटामिन कंसीडर करते हैं इस वजह से क्योंकि कोलिन अंदर जाके और मॉलिक्यूल्स को जो असेंशियल मॉलिक्यूल हैं लीवर की हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है तो इस वजह से हम कोलिन को बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन में पोल्ट्री के लिए रखते हैं इसे मानते हैं कि ये बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन का पार्ट है लेकिन उसके साथ मिलाया नहीं जाता है उसके साथ दिया नहीं जाता है अलग से डाला जाता है तो मल्टीपल एसेंशियल रोल कोलिन के क्या हो गए एक तो फॉस्फोलिपिड बनाना फॉस्फोलिपिड से लाइपोप्रोटीन बनते हैं फैटी लिवर का प्रिवेंशन होता है उसके साथ साथ ये कार्टिलेज को बनाने के लिए ज़रूरी है अगर कार्टिलेज ठीक से नहीं बनेगी तो लेमनेस आएगी और एक इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल होता है वो एसिटाइल कोली न्यूरो ट्रांसमीटर में नर्व ट्रांसमिशन में इसका हेल्प आ, मतलब हेल्प होती है और लीवर हेल्थ जो वाइटामिन रोल है और लीवर हेल्थ में इसका रोल है एज ए मिथाइल डोनर तो कोली कोलिन के ये बेसिक फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों कोलिन को जब भी यूज़ करें आप तो बहुत ही सावधानी से यूज़ करें क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मतलब मैं Uh, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप संभल के रहिए सस्ते के चक्कर में कुछ लोग बिल्कुल ही उसमें चले जाते हैं मतलब वो मिथ्यून बेचते हैं मार्केट में जो जेन्यून मितथ्यून है आपको साढ़े तीन सौ से चार सौ सवा चार सौ से कम नहीं मिलेगा लेकिन वो लोग डेढ़ डेढ़ सौ रुपये बेचते हैं ऐसा नहीं हो सकता है इसकी वजह से लोगों के एफ़ नहीं आते हैं ग्रोथ ख़राब हो जाती है पूरे के पूरे लॉट्स ख़राब हो जाते हैं खासकर छोटे फार्मर के जो अपना फ़ीड बनाने की कोशिश करते हैं वो थोड़े से लालच में कम पैसों के चक्कर में उस फीड में फंस जाते हैं उन प्रोडक्ट्स में फंस जाते हैं तो बिल्कुल सावधान रहिए तो आप फैंसी जो नाम से आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट उन्हें अवॉइड करें क्योंकि उनके अंदर एक्टिविटी उनका क्या है वो कुछ नहीं पता होता है और वो बहुत सस्ता देने की कोशिश करते हैं मान लीजिए एक ब्रांड है वो कोलिन का आपको एक सौ चालीस में मिल रहा है और मार्केट का जो ब्रांड मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है एक जिसका कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है या कोई आपका ब्रांड नहीं है वो वो आपको नब्बे अस्सी रुपये में मिल जाएगा तो आप सिर्फ़ पचास रुपये के चक्कर में अपना पैंतीस हज़ार रुपये का फीड एक टन में एक किलो पड़ता है ना अगर आप एक किलो डाल रहे हैं तो वो पचास रुपये का सिर्फ डिफरेंस होगा लेकिन आपके पैंतीस हज़ार रुपये के फ़ीड के के रिस्पांस को उस फीड को वो रिस्क पे ला देगा पैंतीस हज़ार रुपये को पचास रुपये रिस्क पे ला देंगे तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है प्रॉपर ब्रांड इस्तेमाल करना है और जब भी आप मार्केट में जाएँ तो क्वालिटी उस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस को कंसीडर करें सर्टिफिकेट या तो रिलायबल सप्लायर से लें जो रिलायबल सप्लायर होते हैं वो घटिया प्रोडक्ट रखते ही नहीं है उन्हें पता है कि इसमें रिस्पांस नहीं आएगा जो बड़े फार्मर हैं बड़े फीड मिलर हैं जिनके साथ कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो जानते हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है क्या चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी है जो छोटे फीड मिलर हैं छोटे फार्मर हैं जिन्हें इतना नहीं पता है जो प्राइस वॉर में मतलब एक तरीके से फंस जाते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ कि कोई ख़राब है सब ठीक हो सकते हैं लेकिन आप सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस को चेक कीजिए और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में आप एच को चेक कीजिए कि वो जो देखा गया है वो एच मेथड के थ्रू देखा गया है तो लीडिंग लैब्स हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं हमारी कंट्री में जो कि कोलिन बनाते हैं जैसे जुबली है वो ये सर्विस देते हैं वो अपने यहाँ उनकी लैब है प्रॉपर लैब है बहुत एडवांस लैब है उसके अंदर तो इसे हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए देखा जाता है टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है क्योंकि ये कोलिन क्लोराइड होता है तो टाइट्रेशन क्लोराइड को डिटेक्ट करता है क्लोराइड नमक वमक अमोनियम क्लोराइड ये सब बढ़ा डाल के भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन जो एच पी एल सी मेथड है वो प्रॉपर कोलिन के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता है इस वजह से सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो देखें वो रिलायबल लैब्स का देखें रिलायबल लैब्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए और उसके ऊपर एच एच पी एल सी या जो भी उनके प्रॉपर मेथड्स हैं उन्हें देख कर ही आप उसे माने अदरवाइज किसी ने पेपर पे लिख के कुछ दे दिया है आपको तो उसे कंसीडर ना करें और सबसे अच्छी बात तो यह है कि रिलायबल सप्लायर चुने और रिलायबल ब्रांड चुने जो कि टाइम से चल रहे हैं तो तो फॉर्म्स कित कितनी होती हैं कोलिन की ये देख लेते हैं मार्केट में कई फॉर्म्स में ही कोलिन मिलता है लेकिन जो सबसे बढ़िया फॉर्म होती है जैसे कोलिन क्लोराइड है सिक्सटी परसेंट कोलिन क्लोराइड है नाइन्टी एट या नाइन्टी नाइन परसेंट के नाम से आता है ट्राई कोलिन सिट्रेट आता है जो टॉनिक में आप देखते होंगे और इसके अलावा लिक्विड कोलिन आता है तो ये सब चीज़ें जो हैं कोलिन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं डोज डिपेंडेंट तो डोज़ किस पे डिपेंड करती है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है कि और हम किसे फीड कर रहे हैं इस चीज़ पे डिपेंड करती है तो कोलिन क्लोराइड को आप सिक्सटी परसेंट को यूज़ कर सकते हैं बेझिझक ठीक है और कोलिन क्लोराइड ही सबसे चीप और बेस्ट है यूज़ करने के लिए ब्रॉयलर में इसकी डोज़ रहती है लगभग एक किलो पर टन के हिसाब से लेयर में आधा किलो पर टन और ब्रीडर्स में डेढ़ किलो पर टन के हिसाब से इसे दिया जाता है तो डोज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन हम मिलाते क्यों हैं कोलीन, क्योंकि कोलीन क्या है ना फीड में भी मिलता है जो सोया मक्का मस्टर्ड डी एम बी एम एम जो भी कुछ मिला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कोलिन का पार्ट रहता है लेकिन जितने भी मैनुअल्स हैं न्यूट्रिशन के मैनुअल्स हों या फिर इनके स्टैंडर्ड ब्रीड्स के मैनुअल हों उनके अंदर कोलिन का रिकमेंडेशन ज़रूरी रहता है क्योंकि जो सप्लाई होती है फीड इंग्रेडिएंट होते हैं इनके अंदर बायो अवेलेबिलिटी का और कितना कोलिन है कोलिन कम ज़्यादा होता रहता है तो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए कि हमारी बर्ड की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम ना आए और कोई रिस्क भी ना रहे कोलिन की कमी का तो इस वजह से इतना इतना कोलिन जितना बताया गया है स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये मिलाना फिर ज़रूरी हो जाता है तो ये बहुत महंगा नहीं है एक किलो पे लगभग लेयर में सात पैसे की और चौदह पैसे की कॉस्ट आती है कोलिन को मिलाने की तो इसे अवॉइड ना करें बिल्कुल ठीक है और क्वालिटी पैरामीटर्स जो होते हैं कोलिन के जो भी कोलिन का आप ब्रांड लें तो ये सब चीज़ें आप देख लें जैसे कोलिन का कोलिन क्लोराइड का कंटेंट है वो साठ परसेंट से कम नहीं होना चाहिए ट्राई मिथाई एक एक प्रोडक्ट होता है एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कोलिन को बनाते समय बनता है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है प्रोडक्शन हो रहा होता है उस टाइम बनता है ये तो इसकी वैल्यू टू टू फिफ्टी पी 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 से अधिक नहीं होनी चाहिए पार्टिकल साइज जो है वो एट्टी एट फिफ्टी माइक्रोन मैश एक छलनी होती है जिसकी डायमीटर जिसका साइज़ होता है एट फिफ्टी माइक्रोन मतलब एक मिलीमीटर से कम रहता है ये पॉइंट एट फाइव मिलीमीटर का रहता है उसके अंदर बीस परसेंट से ज़्यादा पार्टिकल रिटेन नहीं होने चाहिए ये इस वजह से बताया जाता है पार्टिकल साइज़ ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली मिक्स हो जाए फीड के अंदर हैवी मेटल्स का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट थ्री परसेंट से ज़्यादा ना हो टैप डेंसिटी पॉइंट फोर टू पॉइंट सिक्स ग्राम पर एम एल होनी चाहिए तो दोस्तों ये कोलिन के बारे में इंफॉर्मेशन थी इसे एनी कोल ने स्पॉन्सर किया था आपको अगर फीड फार्मूलेशन से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए डिजीज़ रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए डेयरी में गोट फार्मिंग में पोल्ट्री में देसी पोल्ट्री में तो आप हमें लिख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक्स और बाकी सब दिया गया है लिखा गया है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप लिंक्स के थ्रू और अभी के लिए थैंक यू अगली कोई वीडियो बनाएंगे ज़रूर उसके ऊपर हम आपसे फिर मिलेंगे